हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा ये जेई मेंस और नीट के रिवीजन का जनरल फिजिक्स का फर्स्ट लेक्चर है। और इसमें जो भी मैं क्वेश्चंस ले रहा हूँ, मेरी एक जेई की PYQ आती है 43 ईयर्स, उसके लेवल 1 के क्वेश्चन नंबर्स हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। आपको प्लैंक्स कांस्टेंट एच की डायमेंशंस पूछी थी, तो सिंपल है, तुम जानते होगे ई इक्वल टू एच न्यू होता है या फिर एच एफ कह लो। तो इसका मतलब जो एच की डायमेंशंस होंगी वो ई अपॉन एफ की डायमेंशंस आएंगी, और ई की डायमेंशंस तुम जानते होगे एम एल स्क्वायर, टी की पावर -2 आ गई एनर्जी की, और फ्रीक्वेंसी की डायमेंशंस हो गई टी की पावर -1। ये तो सिंपल क्वेश्चन था। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन। एक्चुअल में सेकंड एंड फिफ्थ क्वेश्चन वो सेम थे, अलग अलग ईयर में आए थे। आपको एक रिलेशन दिया था एक्स इक्वल टू 3YZ2। अब इसमें तुम्हें एक्स दिया था कि ये कैपेसिटेंस है सी, और जेड आपको दिया था कि ये मैग्नेटिक इंडक्शन है, इसका मतलब बी, और तुम्हें वाई की डायमेंशंस निकालनी थी। इसका मतलब y की जो डायमेंशंस होंगी, इक्वेशन से तुम्हें दिख रहा होगा, तो हमें c अपॉन बी स्क्वायर की डायमेंशंस निकालनी है। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी में आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है कि जो भी ऑप्शंस दिए होते हैं उसमें या तो जो डायमेंशंस होती हैं वो चार्ज के फॉर्म में होती हैं, क्यू के फॉर्म में, और या फिर करंट के फॉर्म में होती हैं ए के फॉर्म में, और तुम जानते होगे क्यू इक्वल टू IT होता है। इसका मतलब क्यू इक्वल टू तुम AT ये भी लिख सकते हो। आई थिंक पॉइंट समझ आ रहा होगा कि इलेक्ट्रिसिटी वाली जो डायमेंशंस होती हैं उसमें ऑप्शंस तुम्हें दो टाइप के मिलेंगे, या तो क्यू के फॉर्म में मिलेंगे और या तुम्हें ए के फॉर्म में मिलेंगे, तो अकॉर्डिंगली फिर तुम देख लेना। तो यहां पे फॉर एग्जाम्पल क्यू के फॉर्म में थे, तो अब जैसे अगर मैं सी निकालता हूं, मान लो सबसे पहले सी की डायमेंशंस निकालता हूं, तो फिर ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो बस, U इक्वल टू हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी होता है। इसका मतलब सी की जो डायमेंशंस आ गई वो यू अपॉन क्यू स्क्वायर हो गई ना, और यू का मतलब हो गया एम एल स्क्वायर टी की पावर -2। यू का मतलब एनर्जी हो गई अपॉन क्यू स्क्वायर, ये आ गया। अब चलते हैं बी में। बी के लिए बेटर यह है एफ इक्वल टू ILV वाला फॉर्मूला यूज कर लो, और आई को मैं लिख सकता हूं क्यू बाई टी LB। इसका मतलब जो बी की डायमेंशंस आ रही हैं वो आ जाएंगी एफ टी की डायमेंशंस डिवाइडेड बाई क्यू एल की डायमेंशंस। तो एफ की डायमेंशंस यहां पे हो गई एम एल टी -2, और टी की डायमेंशन टी हो गई, क्यू को क्यू ही लिख दो, और एल का मतलब एल, ये आ गया। बस बस यहां से सी अपॉन बी स्क्वायर रख देना, तो वहां से तुम्हें वाई की डायमेंशंस आ जाएंगे। तो ये ध्यान रखना, इलेक्ट्रिसिटी में जो भी डायमेंशंस होती है
वो या तो तुम्हें क्यू के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर रखे होंगे ऑप्शंस, और या फिर ई के टर्म्स में कर रखे होंगे। अब चलते हैं थर्ड, तुम्हें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सिग्मा की डायमेंशंस निकालनी थी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, यहाँ ध्यान रखना, सिग्मा की डायमेंशंस निकालनी थी, लेकिन अब के इन टर्म्स ऑफ करंट था। करंट मतलब ए। अब मेरे ख्याल से सिग्मा का तुमने फॉर्मूला पढ़ा होगा, वो होता है करंट डेंसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और करंट डेंसिटी होती है करंट पर यूनिट एरिया, और इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो इसका मतलब ये आ गया क्यू आई अपॉन एफ ए। ए लेकिन यहाँ पे एरिया है, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत हो ना, ये एरिया है यहाँ पे। और क्यू को मैं लिख सकता हूं आई टी, तो ये फाइनली आ गया आई टी स्क्वायर अपॉन एफ इंटू एरिया। अब डायमेंशंस लिख लेते हैं, बस हो गया। सिग्मा की डायमेंशंस क्या हो गई, करंट की हो गई ए, टी स्क्वायर तो है ही है, फोर्स की आ गई एम एल टी माइनस टू, और एरिया की आ गई एल स्क्वायर। तो ये ध्यान रखना, करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपको जो डायमेंशंस होंगी वो या तो क्यू के टर्म्स में मिलती हैं, और या फिर करंट ए के टर्म्स में मिलती है। तो अकॉर्डिंगली तुम देख लेना कि तुम्हें क्यू के टर्म्स में आंसर देना है या फिर ए के टर्म्स में आंसर देना है। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी आपने काफी देखा होगा आई थिंक, मेरे ख्याल से। एक इक्वेशन ये दे रखी है, वंडर वाला इक्वेशन होती है ना, पी प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस बी इक्वल टू आर टी। इसमें तुम्हें ए की डायमेंशंस निकालनी होती है। तो ये तो सिंपल है, ये दोनों डायमेंशन सेम होंगी ना, क्यों? नहीं है, दो सेम डायमेंशन ही तो ऐड होती है कि नहीं होती है, बताओ जो है। तो इसका मतलब ए की डायमेंशन क्या हो गई, ए की जो डायमेंशन आ गई वो आ गई पी वी स्क्वायर आ गई, बस हो गया। अब वैल्यू रख लेते, पी का मतलब वहां पे प्रेशर है, और प्रेशर का मतलब फोर्स अपॉन एरिया, क्यों? प्रेशर का मतलब फोर्स अपॉन एरिया, तो ये आ गया एम एल टी माइनस टू अपॉन एल स्क्वायर, और वी वहां पे वॉल्यूम है, तो इसका मतलब एल क्यूब इसका भी स्क्वायर। ये हम समझ में आ गया। अब चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन में, फिफ्थ नहीं, फिफ्थ तो ऑलरेडी हो चुका था, सिक्स्थ के लो। इसमें तुम्हें हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर की डायमेंशंस निकालनी थी। ये भी मैंने क्लास में दिया हुआ, तुम्हें अगर याद हो तो, ये वाला जो टर्म होता है वो इनर्जी डेंसिटी होता है ना, इनर्जी डेंसिटी, और इनर्जी डेंसिटी का वैसे एक टर्म और भी आता है बी स्क्वायर अपॉन टू म्यू नॉट, ये भी आता है। और इनर्जी डेंसिटी क्या होती है, इनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होती है, क्यों? इसका मतलब तुम हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर की डायमेंशन निकालो, या बी स्क्वायर अपॉन टू मी नॉट की डायमेंशन निकालो,
बात एक ही है, और वो हो जाएगा एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो एनर्जी तो हो गई एम एल स्क्वायर टी की पावर -2, और वॉल्यूम हो गया एल क्यूब। फाइनली आ गया एम एल की पावर -1 और टी की पावर -2। अच्छा वैसे ये वाली डायमेंशन और भी कई चीजों की आती है, जैसे ये प्रेशर की भी आएगी और स्ट्रेस की भी यही आएगी, और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई की भी यही डायमेंशन आएगी एक्सेट्रा पे। अब चलते हैं 7th क्वेश्चन में। आपको इसकी डायमेंशन निकालनी थी एप्सिलॉन नॉट एल डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी की डायमेंशन निकालनी थी। वी यहाँ पे पोटेंशियल है, टी टाइम, बाकी चीजें तुम जानते ही होगे। इसमें देखो कैसे कर सकते हैं, जैसे आप देखो ना सी को हम एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी भी लिखते हैं, और सी को हम क्यू अपॉन वी भी लिखते हैं ना, मतलब डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा वी भी हो गया। क्यों ये भी आ गया, तो बेसिकली यहां से हमें एप्सिलॉन नॉट डेल्टा वी की डायमेंशन पता चल गई। क्यों एप्सिलॉन नॉट डेल्टा वी अगर देखोगे तो ये कितना हो गया, अच्छा ये लेंथ है और ये लेंथ का स्क्वायर है। क्यों तो इसको मैं सिर्फ एल लिख देता हूँ, ओनली एल लिख देता हूँ ये कह लो, तो ये आ गया डेल्टा क्यू अपॉन लेंथ आ गई। अब इसको यहां पे रख लेते हैं, एप्सिलॉन नॉट डेल्टा वी को हमने लिख दिया डेल्टा क्यू अपॉन लेंथ इंटू लेंथ इंटू 1 अपॉन डेल्टा टी, और डायमेंशन वाइज ये दोनों कैंसिल हो गए, तो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी बच गया। तो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी फिर क्या रह गया बताओ, ये करंट रह गया। करंट की डायमेंशन आ जाएंगी, और करंट हो जाएगी क्या, या तो क्यू अपॉन टी करोगे या उसको ए से दिखाओगे। आई थिंक पॉइंट समझ में आ गया होगा, एप्सिलॉन नॉट एल इंटू डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी की डायमेंशन कैसे किया हमने। सी के दो फॉर्मूले लिए, एप्सिलॉन नॉट ए बाई टी और डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा वी कह लेंगे। अब चलते हैं 8th क्वेश्चन में। आपको एक क्यूब दिया था और उसकी साइड 1.2 × 10⁻²⁻² मीटर दे रखी थी, तो तुम्हें उनका वॉल्यूम निकालना था। मतलब सिग्निफिकेंट फिगर्स का प्रॉपर तुम्हें ध्यान रखना है, और साइड मान लो ए है हा? तो ऑब्वियस सी बात है जो वॉल्यूम होगा वो ए क्यूब होगा। तो जब आप ए क्यूब करोगे तो तुम देखना इसका आंसर आता है 1.728 × 10⁻⁶ इतना मीटर क्यूब आता है, ठीक है, जब इसको ए क्यूब करोगे। लेकिन अब ये बताओ इसमें डेसिमल के बाद केवल एक पॉइंट है, तो तुम्हें आंसर में भी डेसिमल के बाद केवल एक ही पॉइंट पे राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो इसका मतलब यहां पे राउंड ऑफ कर दोगे तुम, 7 पे राउंड ऑफ कर दोगे, और 7 के बाद 2 है जो 5 से लेस है, तो आंसर फिर इसका क्या रह जाएगा, ये हो जाएगा 1.7 × 10⁻⁶ मीटर क्यूब। आई थिंक समझ में आ गया होगा, और पावर का उसमें कोई फर्क पड़ता नहीं है, ये कह लो। नेक्स्ट चलते हैं 9th।
आपको एक वायर दिया था सिलिंड्रिकल, और इसका जो मास दिया था वो दिया था 0.3 प्लस माइनस 0.003 इतने ग्राम, और सिलिंड्रिकल वायर की जो रेडियस दे रखी थी वो दे रखी थी 0.5 प्लस माइनस 0.005 मिलीमीटर, और जो लेंथ दे रखी थी वो दे रखी थी 6 प्लस माइनस 0.006 सेंटीमीटर। तो तुम्हें मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन डेंसिटी निकालना था, मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन डेंसिटी। अब सुनो, डेंसिटी का मतलब हो गया मास अपॉन वॉल्यूम, और वॉल्यूम का मतलब हो गया एम अपॉन पाई आर स्क्वायर एल, ये आ गया। और इसके बाद फिर तुम जानते होगे, अच्छा इसमें जो वेरिएबल है वो रो है, एम है, आर है और एल है। अगर आप इसमें वेरिएबल देखोगे तो वेरिएबल क्या होगा, रो, एम, आर और एल, ये वेरिएबल होगा। तो अगर तुम्हें मैक्सिमम परसेंटेज एरर रो निकालनी है, मैक्सिमम एरर इन रो परसेंटेज एरर ना, इसका मतलब तुम्हें एक तरीके से डेल्टा रो अपॉन रो इंटू 100 निकालना है, और वो कितना होगा इस फॉर्मूले को देखना। ये होगा डेल्टा एम अपॉन एम इंटू 100 प्लस 2 टाइम्स डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 प्लस डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100, ये आंसर आएगा। अब सिंपल सी बात है कि तुम्हें डेल्टा एम अगर लेना है तो डेल्टा एम को ले लोगे 0.003 ले लोगे, और एम लेना है तो 0.3 ले लोगे। इसी टाइप से अगर आपको डेल्टा आर लेना है तो आप 0.005 लोगे, और आर सिर्फ लिखना है तो 0.5 लोगे। तो इसमें बस एक चीज इंपॉर्टेंट है कि जब तुम्हें परसेंटेज एरर निकालनी है तो फिर यूनिट्स का कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां पे ग्राम है, मिलीमीटर है, सेंटीमीटर है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब तुम ये सोचो कि यार रेडियस तो मिलीमीटर में दे रखी है, लेंथ सेंटीमीटर में दे रखी है, तो क्या हमें चेंज करना पड़ेगा। तो अगर तुम्हें परसेंटेज एरर निकालनी है तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम्हें दिख ही रहा होगा कि डेल्टा एम अपॉन एम है, ऑब्वियस सी बात है ग्राम और ग्राम कैंसिल हो जाएगा। इसी टाइप से डेल्टा आर अपॉन आर में मिलीमीटर और मिलीमीटर कैंसिल हो जाएगा, और लास्ट में डेल्टा एल अपॉन एल में फिर सेंटीमीटर और सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना कि एरर में उसका कोई फर्क नहीं पड़ता यूनिट्स कौन सी दे रखी हैं। अब चलते हैं 10th। 10th और 28th ये भी सेम क्वेश्चंस थे। पी दिया हुआ था प्रेशर, हाँ, अल्फा अपॉन बीटा ई की पावर माइनस अल्फा जेड अपॉन के इंटू थीटा, इस टाइप के फॉर्मूले दिया था, और जेड यहां पे दे रखी थी डिस्टेंस। और टी यहां पे दिया था टेम्परेचर।
तो आपको जो डायमेंशंस निकालनी थी वो बीटा की निकालनी थी। अब इसमें देखो कैसे करोगे। सबसे पहली बात, पी की जो डायमेंशंस होंगी वो अल्फा अपॉन बीटा के इक्वल होंगी ना। पी की डायमेंशंस अल्फा अपॉन बीटा के इक्वल होंगी, इसका मतलब जो बीटा की डायमेंशंस होंगी वो अल्फा अपॉन प्रेशर होंगी। और ये वाला जो आएगा ये डायमेंशन लेस होगा फिर। इसका मतलब अल्फा जेड की जो डायमेंशन होंगी वो के इंटू थीटा, अच्छा इसको टी भी लिख सकते हो ध्यान रखना। तो जो अल्फा इंटू जेड की डायमेंशन होंगी वो के इंटू टी होगी, और के इंटू टी तुम जानते होगे इनर्जी भी होती है। तो इसका मतलब अल्फा की जो डायमेंशन हुई, और जेड उन्होंने बोला हुआ कि लेंथ है, क्यों जेड लेंथ है, इसका मतलब जो अल्फा की डायमेंशन आ गई वो आ गई इनर्जी अपॉन लेंथ, इनर्जी अपॉन लेंथ। तो बस यहां पे ये आ गया फाइनली, बीटा की डायमेंशन हो गई इनर्जी अपॉन लेंथ इनटू प्रेशर। अब डायमेंशन लग गया, जैसे इनर्जी की आपने रखी एम एल स्क्वायर टी की पावर -2, लेंथ की तो खैर एलई होगी, और प्रेशर का मतलब फोर्स अपॉन एरिया, तो एम एल टी की पावर -2 अपॉन एल स्क्वायर। तो आई थिंक इसमें भी समझ में आ गया होगा कि जो अल्फा अपॉन बीटा होगा वो तो होगा डायमेंशन, दोनों की सेम डायमेंशन होगी, अल्फा अपॉन बीटा और पी की सेम डायमेंशन होगी, और अल्फा जेड अपॉन के थीटा वो डायमेंशन लेस होगा। तो पहले वहां से तुम अल्फा की डायमेंशन निकालोगे और तब उसको फिर पी इक्वल टू अल्फा अपॉन बीटा में पुट करोगे। उसके बाद था 11th क्वेश्चन। ये तो बस तुम्हें ऑप्शन ढूंढना था जिसमें डायमेंशन डिफरेंट हो, डिफरेंट डायमेंशन वाला था। जैसे पहले में दिया था प्रेशर, यंग्स मॉडुलस, स्ट्रेस, ये तो अभी मैंने कुछ देर पहले बताया कि सेम डायमेंशन होती है। डी पार्ट में दिया था ईएमएफ, पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल, ये भी तुम्हें लग ही रहा होगा सेम ही होंगी क्योंकि वोल्ट आएगा, क्यों इसकी यूनिट जो बनेगी ऐसा यूनिट वोल्ट बनेगी, इसका मतलब ये भी सेम ही रहेंगी। सी पार्ट में हीट, वर्क डन, एनर्जी, ये भी तुम्हें लग रहा होगा सेम डायमेंशन होंगे, क्यों? और लास्ट पार्टी फिर ऑप्शन होगा, ऑब्वियस ही बात है। और ये वैसे दिया था डाइपोल मोमेंट, फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तुम्हें लग ही रहा होगा कि बिल्कुल ही डिफरेंट हो गया ना। डाइपोल मोमेंट तो हो गया सीधे सीधे चार्ज इंटू लेंथ हो गई, और फ्लक्स होता है फाई इक्वल टू ई इंटू एस, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो अलग ही चीज है, तो ऑब्वियस ही बात है ये डिफरेंट है। अब चलते हैं 12th क्वेश्चन में। इसमें तुम्हें
स्क्रू गेज वाला दिया था। इसमें तुम्हें सर्कुलर स्केल में, अच्छा फिगर दे रखी थी जो मैं यहां पे नहीं बना पाऊंगा, फिगर गिवन। सर्कुलर स्केल में 50 डिवीजन थे, और पिच जो आपको दे रखी थी वो 0.5 मिलीमीटर दे रखी थी। और तुम्हें कुछ इस टाइप से दिया था, यहां पे ये 25 दिख रहा था और यहां पे 2 दिख रहा था। तो तुम्हें डायमीटर निकालना था, जो भी तुम्हें स्पेयर रखा था इसके बीच में डायमीटर निकालना था, डायमीटर कितना होगा। अब देखो इसमें 2 मिलीमीटर तो आपको साफ साफ दिख रहा था, तो इसका मतलब 2 मिलीमीटर तो ये होगा, प्लस ये जो 25 दिख रहा था ये 25 इंटू लीस्ट काउंट और हो जाएगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा कि 2 मिलीमीटर तो आपको साफ साफ दिख रहा है और 25 इंटू लीस्ट काउंट और हो जाएगा। और लीस्ट काउंट कितनी होती है, लीस्ट काउंट होती है पिच अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स। क्यों पिच अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स, तो इसका मतलब लीस्ट काउंट हो जाएगी 0.5 मिलीमीटर अपॉन 50, बस ये आंसर आ जाएगा। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा, 2 मिलीमीटर आपको क्लियर कट दिख रहा था तो वो तो आप लिखोगे ही लिखोगे, और साथ में 25 को लीस्ट काउंट से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो एक ऑप्शन वो आ जाएगा। उसके बाद चलते हैं 13 क्वेश्चन में। अब वर्नियर का क्वेश्चन था, इसमें जो मेन स्केल था इसका जो स्मॉलेस्ट यूनिट दे रखा था वो 1 मिलीमीटर दिया था, और 20 डिविजन्स ऑफ वर्नियर, वो दिया था 16 मेन स्केल डिविजन्स, मेन स्केल डिविजन्स। तो तुम्हें लीस्ट काउंट निकालनी थी कितनी होगी। थोड़ा सा वर्नियर तुम्हें याद दिला रहा हूं कि वर्नियर में अगर तुम देखोगे तो वर्नियर में एमएसडी बड़ा होता है ना, मेन स्केल डिवीजन, मेन स्केल डिवीजन वो ग्रेटर होता है वर्नियर स्केल डिवीजन से। और ये ऊपर से भी तुम्हें दिख रहा होगा, देखो वर्नियर के 20 और मेन के 16 वो इक्वल है ना, तो ऑब्वियस सी बात है मेन वाला बड़ा है ना। और जो लीस्ट काउंट होती है उसके बाद जो लीस्ट काउंट होती है वो होती है 1 MSD -1 VSD, ये लीस्ट काउंट कहलाती है। अब आप इधर से देखो जो 20 VSD है वो 16 MSD के इक्वल है, और 1 MSD 1 मिलीमीटर के इक्वल है, नहीं है 1 MSD 1 मिलीमीटर के इक्वल है,
तो इसका मतलब ये हो गया 16 मिलीमीटर आ गया। तो इसका मतलब 1 VST कितना हो गया, 1 VST हो गया 16/20 या फिर 0.8, इतना मिलीमीटर हो गया। क्यों इतना मिलीमीटर हो गया? और एलसी मैंने तुमसे कहा था कि 1 MST माइनस 1 VST होता है, तो 1 MST तो तुम्हें दिया हुआ 1 मिलीमीटर और 1 VST आ गया 0.8 मिलीमीटर, तो इसका मतलब जो लीस्ट काउंट आ गई वो 0.2 मिलीमीटर, इतना आंसर आ गया। वर्नियर एक बार दोबारा से याद रखना कि एमएसटी जो होता है वो बड़ा होता है वीएसडी से, और जो लीस्ट काउंट आती है वो 1 MST माइनस 1 VST आती है, ये कह सकते हैं। अब चलते हैं 14। इसमें तुम्हें एक फॉर्मूला दिया था y इक्वल टू 4 mg L अपॉन पाई L d2। अच्छा यहाँ पे जो स्मॉल r रहा होगा वो चेंज इन लेंथ रहा होगा, ध्यान रखना चेंज इन लेंथ ये रहा होगा, ध्यान रखना। और जो कैपिटल एल रहा होगा ये ओरिजिनल लेंथ रही होगी। और ऑब्वियस सी बात है यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला दिया हुआ है तो वो चेंज इन लेंथ से ही रिलेटेड कुछ रहा होगा। अब तुम्हें क्या दिया था, कैपिटल एल ये दिया था 2 मीटर, स्मॉल डी 0.5 मिलीमीटर, कैपिटल एम ये दिया था 2.5 kg, और स्मॉल एल ये दे रखा था 0.25 मिलीमीटर, और साथ में दिया हुआ था कि स्मॉल डी और लेंथ चेंज इन लेंथ, ये स्क्रू गेज एंड माइक्रोमीटर उनसे मेजर कर रहे हो। जैसे स्मॉल डी तो तुम स्क्रू गेज से मेजर कर रहे हो और स्मॉल एल तुम माइक्रोमीटर से कर रहे हो, और दोनों में ये हो या ये हो दोनों में सेम पिच है, मतलब एक ही बात है बेसिकली और कुछ नहीं है, सेम पिच है और वो 0.5 मिलीमीटर दे रखी है, और उसमें जो नंबर ऑफ डिविजन्स दे रखे थे वो 100 दिए थे। एक बार क्वेश्चन देख लो क्या है, यंग्स मॉडुलस का एक फॉर्मूला दिया हुआ है 4 mg कैपिटल एल अपॉन पाई स्मॉल एल डी स्क्वायर, यहाँ पे स्मॉल एल था चेंज इन लेंथ और कैपिटल एल थी ओरिजिनल लेंथ। कैपिटल एल दिया था, डी दिया था, एम दिया था, स्मॉल एल दिया था, और डी और एल वो तुमसे कह रहा था कि स्क्रू गेज और माइक्रोमीटर से मेजर कर रहे हो, मतलब दोनों एक ही चीज़ है बेसिकली, उनकी पिच सेम है और नंबर ऑफ डिविजन सेम है, इसका मतलब एक तरीके से दोनों की लीस्ट काउंट सेम आ गई ना। अगर आप देखोगे तो लीस्ट काउंट, इसको चाहे तो तुम डेल्टा एल भी कह सकते हो, वो डेल्टा डी आ गई और वो आ गई 0.5 मिलीमीटर अपॉन 100, इतनी आ गई। अच्छा यहां पे थोड़ा सा तुम्हें यूनिट देखनी पड़ेंगी कि यहां पे डी भी मिलीमीटर में है और एल भी मिलीमीटर में है, और उसके बाद डेल्टा एल बी और डेल्टा डी बी ये भी हमने मिलीमीटर में ही निकाला है, ये ध्यान रखना, क्योंकि वो मिलीमीटर अपॉन मिलीमीटर फिर क्या होगा, कैंसिल होगा। अब उसके बाद क्या कहता है कि
कंट्रीब्यूशन टू मैक्सिमम पॉसिबल एरर, कंट्रीब्यूशन टू मैक्सिमम पॉसिबल एरर। इन वाई इसमें क्या था ध्यान से देखा। तो पहला पार्ट इसमें था ड्यू टू डी एंड ड्यू टू एल, ये सेम है, ये कह रहा था बी पार्ट। अब तुमने कहा था ड्यू टू डी, ये टू टाइम्स है, सी पार्ट। ड्यू टू एल ये फोर टाइम दिया था डी पार्ट में, सॉरी ये भी टू टाइम दिया था। और ड्यू टू डी ये फोर टाइम्स दिया था। एक बार क्वेश्चन दोबारा से दिखा दे रहा हूं। वाई का एक फॉर्मूला दिया था एल डी एम एल, इनकी वैल्यू दे रखी थी, इसमें से स्मॉल डी और स्मॉल एल वो मिलीमीटर में दिए थे, और स्मॉल डी और स्मॉल एल वो तुमसे कहता है स्क्रू गेज और माइक्रोमीटर उनसे मेजर किया था, दोनों बेसिकली एक ही चीज होते हैं, उनकी पिच सेम दे रखी थी, नंबर ऑफ डिवीजन सेम दे रखे थे, तो वहां से लीस्ट काउंट तुम फाइंड कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे अब तुम्हें बस यूनिट्स का ध्यान रखना पड़ेगा, और उसके बाद तुमसे कहा था कि वाई के कंट्रीब्यूशन में, ठीक है, वाई के कंट्रीब्यूशन में जो मैक्सिमम पॉसिबल एरर होगी वो डी एल इस टाइप से, ये कह देते हैं। अब देखो एल की पावर तो 1 है और डी की पावर 2 है, तो इसका मतलब ड्यू टू एल जो होगा वो तुम्हें सिंपली लिए लिखना है डेल्टा एल अपॉन एल लिखना है, बस हो गया। और इसी टाइप से अगर तुम्हें ड्यू टू डी लेना है तो फिर इसको तुम्हें लिखना है टू टाइम्स डेल्टा डी अपॉन डी करना है, बस हो गया। अब चेक कर लेना, जैसे मान लो ये एक्स आ रहा है, सपोज करो ये वाई आ रहा है, तो अब तुम देख लेना कि एक्स अपॉन वाई की वैल्यू कितनी आ रही है। वैसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पे डेल्टा एल और डेल्टा डी तो कैंसिल ही हो रहा है बेटा, ठीक है ना, एक्स अपॉन वाई अगर तुम देखो तो ये तो कैंसिल ही हो रहा है, सीधे सीधे ही आ रहा है। देखो एक्स अपॉन वाई अगर मैं करूं तो ये आ गया डी अपॉन टूएल आ गया, तो ये सब निकालने की भी रिक्वायरमेंट नहीं थी, वैसे डेल्टा एर और डेल्टा डी निकालने की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। डी यहाँ पे आ गया 0.5 मिलीमीटर, और ये आ गया 0.25 मिलीमीटर, सेम ही आ रहा है फिर दोनों में अगर देखोगे तो एक्स अपन वाई सेम ही आ रहा है, तो इसका आंसर ये होगा बस। आई थिंक समझ में आ गया होगा ना, यहाँ पे डेल्टा एल डेल्टा डी वो सब निकालने की रिक्वायरमेंट ही नहीं थी, ये कह रहे। अब चलते हैं 50। तुम्हें एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन निकालनी, लेकिन अब के जो आंसर दिया था या ऑप्शंस कह लो इन टर्म्स ऑफ करंट था, ये ध्यान रखना
इलेक्ट्रिसिटी में, डायमेंशंस में, जो भी आपको ऑप्शंस होंगे वो या तो चार्ज क्यू के टर्म्स में होंगे और या फिर करंट ई के टर्म्स में होंगे। तो ऑप्शंस को देख के तो फिर आंसर निकालना। तो यहाँ पे ये कर लेते हैं, बस हो गया एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 upon R square, ये कर लेते हैं बस। हो गया, तो यहाँ पे जो Q1 Q2 हुआ ये एक तरीके से Q² हो गया, और Q=I×T होगा ना, I×T, तो इसका मतलब ये हो गया I²T², ये हो गया। तो एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन क्या आ गई, एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन आ गई I²T² upon F×R² अब वैल्यू रख लो। आई स्क्वायर का मतलब ए स्क्वायर, टी स्क्वायर का मतलब टी स्क्वायर हो गया, एफ का मतलब हो गया MLT-2 और आर स्क्वायर का मतलब हो गया L², ये आंसर है। तो आज की लेक्चर में इतना ही करते हैं, और इसमें देखो मेन हमने क्या क्या कंक्लूजन्स निकाले। एक तो मैं इसको कई बार रिपीट कर चुका हूं कि इलेक्ट्रिसिटी में कोई भी डायमेंशन जो होंगी उसमें जो ऑप्शंस दिए होते हैं वो या तो करंट के फॉर्म में दिए होते हैं या फिर क्यू के फॉर्म में दिए होते हैं, एक तो उसका ध्यान रखना। दूसरा, अभी हमने एक जस्ट इससे पहले वाले एग्जाम्पल में भी देखा, जब हम कैलकुलेशन कर रहे थे तो हमने देखा कि वो डेल्टा और डेल्टा डी, इसकी तो कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं थी, सीधे सीधे मतलब स्मॉल एल की वजह से जो एरर आएगी वो डेल्टा L/L आएगी, और डी की वजह से जो आएगी वो 2 डेल्टा D/D आएगी, तो वो तो कैंसिल ही हो रही थी, उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं थी हमें बेसिकली, ये कह रहे थे। तो ये दो मेन पॉइंट्स थे, बाकी चलो फिर नेक्स्ट टाइम करते हैं। ओके, थैंक यू एंड गुड डे।